हे गाइस, वेलकम है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गरिमा, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ज़ारा लास्ट वीक सेल हॉल, एंड काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल इसमें मुझे जो भी मिले हैं काफ़ी अफोर्डेबल मिले हैं। एंड आपको जैसे पता है कि ज़ारा का जो फर्स्ट जब सेल वो स्टार्ट होती है ज़ारा पे, तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक में ऐसे करके उनके जो प्राइस हैं वो ड्रॉप होते जाते हैं। फर्स्ट में कुछ वो 30 के अराउंड करते हैं, 30-35, फिर सेकेंड वाले वीक में जो है वो 50 तक करते हैं, एंड थर्ड में कुछ ऐसे ही 70, एंड लास्ट में जो है वो 75 से ऊपर जो भी है वो करते हैं। तो इस टाइप का उनका डिस्काउंट रहता है पूरा, तो काफ़ी अच्छा है। जो अगर आपको थोड़ा पेशेंस लेवल आपके अंदर है तो आप जो है अगर ज़ारा से अफोर्डेबल प्राइस में कुछ लेना चाहते हैं तो लास्ट वीक तक आप थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, जैसे वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जो है वो कार्ट में डाल लीजिए, अपने फेवरेट में डाल लीजिए, जो जो आपको पसंद है, एंड जब भी आपके पास टाइम मिले एंड उसको 2-3 बार आप ओपन करके डेली जो है वो देख लीजिए। जब आपको कभी रीस्टॉक मिले तो देन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो गया देन आप वो आइटम जो है रीस्टॉक नहीं होगा, हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं होते हैं, नहीं तो मतलब मुझे तो काफ़ी ऐसे हैं जो इसमें मैं आपको आपके साथ जो शेयर करूंगी, बहुत ऐसे हैं कि मुझे मिल गए हैं एंड साइज़ के साथ मिले हैं। ये कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया मैंने कि नहीं, कोई एल है तो एम ले लिया, ऐसा नहीं है। जो मुझे साइज़ सही लगा वो मैंने साइज़ लिया है। तो देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज ही मुझे ये सारे पार्सल जो है आज ही के आज रिसीव हुए हैं, एक साथ सारे मुझे मिल गए, तो काफ़ी लंबा हॉल होने वाला है। एंड मे बी मैं इसको पार्ट टू में डिवाइड कर दूं क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। करीब अराउंड 18-20 के आसपास पीसेस हैं, तो पार्ट वन एंड पार्ट टू में भी आए। तो देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। ये हैं सारे जितने भी हैं, मैंने इनको अभी एक भी पैकेट मैंने ओपन नहीं किया है, काफ़ी भारी है, एंड जो भी है सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये इस टाइप के हैं कुछ, एंड बहुत सारे इस वाले पैकेट में भी हैं, तो वन बाय वन आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इस वाले पैकेट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या आया है। ओके, सो इसमें दो ड्रेस हैं एंड ये मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गई है। ये है ग्रीन कलर एंड ये लाइम कलर। तो पहले इस लाइम कलर से स्टार्ट करते हैं। ज़ारा के एक वीडियो में मैंने ये इस टाइप की एक ड्रेस मैंने आपके साथ शेयर की है, तो वो कलर था मेरा ब्लू कलर में, एंड उसमें ये एक लाइन कलर है इस टाइप की, एंड यहाँ पे है ये गेटिंग, ये कुछ इस टाइप से है। लॉन्ग ड्रेस मीन्स आपके एंकल से ऊपर तक आएगी। तो जो नेम है वो है ड्रेस विद साइड गैदरिंग एंड फ्लोरेसेंस लाइम, एंड जो इसमें मैंने साइज लिया है वो है साइज एल साइज है, एंड इसमें इसका ओरिजिनल प्राइस 1990 है, एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे 690 ही पड़ी, जो कि मैंने पहले वाली जो एक ब्लू कलर की सेम ड्रेस दिखाई थी वो ऑलमोस्ट मैंने ली थी, हाँ कुछ 1290 या 1590 कुछ ऐसे ही ली थी। सो काफ़ी अच्छी है, 700 की ये ड्रेस बहुत ही अच्छी है, एंड जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, एंड जो इसका 94% कॉटन है एंड 6% इलास्टिन है, तो काफ़ी स्ट्रेचेबल है इस टाइप की, एंड बॉडी हगिंग पूरी ड्रेस है ये, तो काफ़ी अच्छी है। एंड सेकेंड ड्रेस है, ये है ग्रीन कलर की ड्रेस, एंड आपको जैसे पता है ये ग्रीन कलर काफ़ी ट्रेंड में है इस टाइप का, एंड ये पूरा इस टाइप मिडी फॉर्म में ड्रेस है ये। ये इस टाइप से है,
एंड इसका जो नेम है वो है रिप ड्रेस विद स्ट्रैप एंड इसका जो प्राइस है वो 690 है एंड साइज जो है वो है एल साइज एंड इसका ओरिजिनल प्राइस था 2290 ऑलमोस्ट 2300 का एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 690 की पड़ी तो 700 की पड़ी तो काफ़ी अच्छी है। फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है, ये भी जो है 96% कॉटन है एंड 5% जो है इलास्टेन है, ये भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो बाकी इसका लुक वगैरह आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कैसी क्या लगती है ये। सो जो नेक्स्ट पैकेट में देखते हैं इसमें क्या है, स्ट्रगल करना पड़ता है इसको ओपन करने में। ओके, इसमें ये पिंक कलर की ड्रेस है एंड ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये वाली ड्रेस जो है वो मैंने स्टार्टिंग में जब सेल स्टार्ट हुई थी तभी मैंने देखा था इसको एंड इसका तब प्राइस ऑलमोस्ट 3500 के आसपास था, बट मुझे काफ़ी कॉस्टली लग रही थी तो मैंने नहीं लिया। एंड इसका जो MRP है वो है 5600 ऑलमोस्ट, तो उसके बाद में इस पर जो है वो 3000 जैसे इसमें टैग लगा हुआ है 3000 का इस पर डिस्काउंट मिला एंड उसके बाद में अब जो है इसका प्राइस है वो है 1990 तो ऑलमोस्ट 2000 का। तो वैसे भी ये कॉस्टली है बट जो इसका फैब्रिक है लिनन फैब्रिक है इसका, मीन्स इसका जो नेम है वो लिनन ब्लेंड मिडी ड्रेस है एंड ये इस टाइप का यहाँ पे ये है जो ये इस टाइप का वेस्ट कोट जैसा लुक आता है यहाँ पे, तो आपको ड्रेस में ऐसा लुक मिलेगा। देन यहाँ पे फ्रंट एंड बैक में दोनों स्लिट मिल जाती है, तो ओवरऑल ये मतलब पहनने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसी क्या लगती है। एंड यहाँ पे ये दो पॉकेट हैं, आई थिंक फॉल्स पॉकेट हैं शायद, हाँ। पीछे जो है ये जिप मिल जाती है एंड काफ़ी अच्छी है ये भी ड्रेस, पिंक कलर में है, लाइट पिंक कलर है तो काफ़ी अच्छी है ये ड्रेस। एंड इसका जो फैब्रिक है वो 52 है लिलन एंड जो 48 है वो कॉटन में है, तो काफ़ी कंफर्टेबल ये ड्रेस होने वाली है। एंड नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, इस टाइप के ही पैकेट हैं ये, इनमें एक एक करके सबसे ज़्यादा कॉस्टली ये पड़ जाता है जो वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं। आप अगर थोड़ा सा अगर वेट कर लो कि हाँ दो या तीन पीसेस एक साथ कर ले तो उसमें क्या होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो जैसे ही यार ये स्टॉक हुए एंड ऑर्डर कर दो तो उसमें बार बार डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, शिपिंग चार्जेस हो जाते लगते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। जो है ये ट्राउज़र है एंड एक शर्ट है, देखते हैं कैसे क्या निकलती है। ये है शर्ट एंड आई थिंक ये शर्ट का मैंने साइज़ को ज़्यादा ही बड़ा ले लिया, एम साइज लिया है एंड काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। इसका जो नेम है वो है एसिमेट्रिक टाई एंड डाई ब्लाउज, मल्टी कलर में है ये एंड ये कुछ इस टाइप की शर्ट है। थोड़ा सा पहनने पे लुक पूरा पता चलेगा, आगे से शॉर्ट है पीछे से जो है वो लॉन्ग है, इस टाइप से है एंड काफ़ी बुरी कंडीशन में आई है इस टाइप की, बट फैब्रिक वगैरह बहुत ही अच्छा है। आपको अगर कुछ डे में कुछ पहनना है एंड कुछ स्मार्ट लुक क्रिएट करना है देन आप इसको वेयर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड इसका जो MRP है वो ऑलमोस्ट 5000 है एंड आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे पड़ा था 1290 का, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट इस पर मिल गया। एंड इसका मुझे पैंट भी लेना था बट वो मुझे मिला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था एंड वो मतलब मुझे रिस्टॉक भी नहीं कहीं दिखा। नेक्स्ट जो है ये एक पैंट है, हाई वेस्ट पैंट है, खाकी कलर में है ये टाइप की पैंट है। इसका जो नेम है वो स्ट्रेट फिट प्लीटेड ट्राउज़र है एंड खाकी कलर में है। साइज़ जो है मैंने इसका एम लिया है, जिसमें प्राइस इसका MRP है 5000 एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 1290 का पड़ा, तो इस पर भी मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला 1300 में, इतनी अच्छी क्वालिटी में मुझे ये ट्राउज़र मिला। एंड इस टाइप के जो थोड़े कलर है वो आजकल इन हैं तो काफ़ी अच्छा है, नीचे से ये काफ़ी ब्रॉड है ये इस टाइप का है, बाकी लुक जो है पहनने के बाद ही पता चलेगा तो इस टाइप का है। एंड इसको कैसे क्या मैं स्टाइल करूँगी वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद में ओपन करते हैं इस वाले बॉक्स को एंड इसमें देखते हैं क्या है। इसमें एक ड्रेस है एंड एक टॉप है, साइड में रख देते हैं।
पहले ड्रेस दिखा देते हैं। ब्लैक कलर में ये ड्रेस है एंड इस वाली ड्रेस को भी मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी बट ये आउट ऑफ स्टॉक हो रही थी। पहले तो इसका प्राइस ज़्यादा था, फिर उसके बाद में जब ये सेकेंड वीक में इसका प्राइस थोड़ा कम हुआ तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिर थर्ड वीक में भी मैंने थोड़ा ट्राई किया बट नहीं मुझे ये मिली एंड लास्ट वीक में मुझे ये मिल गई और काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई है। तो ये है कुछ इस टाइप की ड्रेस। लॉन्ग ड्रेस है, यहाँ पे ये गैदरिंग है ये इस टाइप से एंड आपको ऐसे लुक समझ में नहीं आ रहा होगा। फुल स्लीव्स हैं इसमें एंड मैं ये कहूँगी कि इस टाइप की जो भी ड्रेस होती है, चाहे आप अदर ऐप पे भी ले लो, अर्बेनिक से भी आप खरीदोगे तब भी वहाँ पे भी आपको 200 से ऊपर की ही ये इस टाइप की ड्रेस मिलेंगी एंड इसका फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छा है, लिलन फैब्रिक है इसका, तो काफ़ी कंफर्टेबल भी होने वाला है। थोड़ा कॉटन भी मिक्स है इसमें, मतलब आपको ये 52 लिलन है एंड 48 जो है वो कॉटन फैब्रिक है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो जो नेक्स्ट है ये एक टॉप है एंड ये इस टाइप का टॉप है, ये इसका जो नेम है वो है प्रिंटेड बस्टियर टॉप एंड इसमें मैंने एक स्कर्ट भी ऑर्डर की है, वो मुझे रिसीव हो गई, वो मैं किसी दूसरे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये पीछे जो है यहाँ पे इलास्टिक मिल जाती है, देन यहाँ पे जिप भी है, इस टाइप का कॉर्सेट टाइप का है एंड काफ़ी अच्छा लगेगा ये, इसको स्टाइल करेंगे एंड इसकी स्कर्ट भी है तो काफ़ी अच्छा लुक लगने वाला है। एंड इसका जो प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे पड़ा 1290 का एंड इसमें जो मैंने साइज लिया है वो एल साइज लिया है। जो नेक्स्ट है वो इस वाले पैकेट ओपन करते एंड इस वाले में कुछ ये ड्रेस है, वाओ क्या फैब्रिक है एंड टॉप है। अच्छा, इसमें सारे टॉप निकले, ब्लैक वाले से स्टार्ट करते हैं एंड ये है थोड़ा निट फैब्रिक में टॉप एंड इस टाइप का टॉप मेरे पास नहीं था एंड मुझे लेना था इस टाइप का, काफ़ी अच्छा लगता है आप नीचे जो है वो आप ब्रालेट वगैरह वेयर करें देन इसके ऊपर इस टाइप का टॉप पहने तो काफ़ी अच्छा लगता है एंड इसको आप बॉटम में बहुत सारे आप स्कर्ट के साथ इसको वेयर कर सकते हैं एंड आप हाई वेस्ट जो जीन्स होती हैं उनके साथ एंड ट्राउज़र के साथ जैसे भी आपको वेयर करना आप वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। देन इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा, प्राइस है वो आफ्टर डिस्काउंट 690 का पड़ा था एंड जो मैंने इसमें साइज लिया है वो एल साइज लिया, आई थिंक एल सही है, आप इसमें एम भी ले सकते हैं लेकिन मे भी शायद वहाँ एम था नहीं इसलिए मैंने एल लिया, बट एल मुझे काफ़ी फिट आएगा, मुझे पता है ये है तो स्ट्रेचेबल तो वो बॉडी को हग कर लेगा तो एल सही है मेरे लिए, परफेक्ट है। देन नेक्स्ट जो है वो एक वाइट कलर में टॉप, इसका जो नेम है वो है डबल स्ट्रैप रिब्ड टॉप एंड इसका जो फैब्रिक है काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है एंड इसका जो प्राइस है वो 390 का है एंड इसमें भी मैंने एल साइज ही लिया है। तो ये है, सो इसे ये एक वाइट कलर के स्वेटर फॉर्म में टॉप है एंड यहाँ पे ये इस टाइप की बटन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, तो इसको आप वेयर कर सकते हैं जो अक्टूबर के लास्ट वीक है नवंबर में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ा गर्म करेगा बट काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है एंड ये हाईनेक है तो काफ़ी अच्छा लगेगा एंड इसका जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस है इसका 1890 का एंड इसमें मैंने साइज लिया था एम एंड आफ्टर डिस्काउंट इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है आई थिंक 1290 का, तो थोड़ा सा कॉस्टली है बट इसका फैब्रिक वगैरह बहुत ही अच्छा है एंड थोड़ा सा जो यहाँ पे ये डिटेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। सो ये है एंड नेक्स्ट पैकेट में देखते हैं क्या है। ओके, इसमें भी एक ट्राउज़र ही है, मैंने एक ट्राउज़र मंगाया था जो कि ये वाइट कलर में ट्राउज़र है, इसमें हल्के हल्के रेसे जैसे निकल रहे, पता नहीं दिख रहा कि नहीं, ब्लैक ब्लैक कलर में है, तो इनका ऐसा फैब्रिक ही है कि क्या है। तो ये है एंड इसका जो नेम है वो है फुल लेंथ ट्विल ट्राउज़र एंड हाई वेस्ट ट्राउज़र है ये एंड इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है, 100% कॉटन फैब्रिक है। देन इसका जो प्राइस है वो है
ओरिजिनल प्राइस 3000 का है एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 1290 का पड़ा था, ऑलमोस्ट 1300 का। एंड इसमें जो मैंने साइज़ लिया है वो एम साइज़ लिया है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ ट्राउज़र हैं जो मुझे एल आते हैं एंड कुछ जो है एम आते हैं। अभी के लिए अभी जो मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया है, वहाँ पे मेंशन होता है कि दिस प्रोडक्ट इज स्मॉलर या लार्जर दैन यूजुअल। तो जैसा भी आपका साइज़ है वो उस हिसाब से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि हाँ, कुछ ऐसे ट्राउज़र होते हैं जो बैगी स्टाइल में होते हैं एंड आप उसमें अगर एल ले लो तो फिर वो और ज़्यादा बैगी लगेंगे, तो आप उसमें एम में जाइए। तो इस टाइप के थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन कौन सा क्या है। बाकी ये है फुल लेंथ में ट्राउज़र एंड आई थिंक मुझे नीचे से कट करवाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा है ये। तो कैसे क्या मैं इसको स्टाइल करती हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा एंड इसका मैंने प्राइस बता दिया है। सो जो नेक्स्ट है ये एक टॉप है, ये वाइट कलर में टॉप है इस टाइप का एंड यहाँ पे जो है ये इस टाइप की लेस दी हुई है, गोल्डन कलर में लेस है, थोड़ा सा फ्रिल फॉर्म में है तो काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइप का वाइट में एंड थोड़ा लाइट थोड़ा गोल्डन गोल्डन मिल जाए तो अच्छा लगेगा। बाकी इसका फैब्रिक वगैरह बहुत ही अच्छा है एंड कॉटन फैब्रिक है एंड इसका जो प्राइस है वो मैं बता दूँ 1590, आफ्टर डिस्काउंट मुझे 390 का पड़ा था एंड इसमें जो मैंने साइज़ लिया है वो एल साइज़ लिया है। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इसको पार्ट टू में कन्वर्ट कर रही हूँ एंड आप ज़रूर वो पार्ट टू ज़रूर देखिएगा एंड क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैंने ऑलरेडी इतने सारे दिखा दिए, अभी भी काफ़ी पड़े हैं, फिर आप लोग बोर होने लगते हो, तो आप जो है इसको पार्ट टू में ज़रूर इंजॉय करिए।